हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी राधा रानी तैयार हो रही हैं, ड्रेस पहन चुकी हैं। ये सेकंड पार्ट वीडियो है। कल आपको लड्डू बासु वृंदा का वीडियो मिला था। आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं अपने श्याम सुंदर और सुंदरी का सिंगार दर्शन। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन्हें पहनाते हैं कमरबंद। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज मेरी राधा रानी ने बैंगल्स पहने हैं, बहुत सारे बैंगल्स। वो बैंगल्स आया था माँ भगवती जी के यहाँ से, माता जी भेजी थी। इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हैं जो वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, बस इनका बैंगल्स निकाले हैं, पहनाए हैं। तो आ गया, आज हमारी लाडो पहन ली। तो वो तो सबसे बड़ी खुशी की बात हो गई कि हमारी लाडो आज बैंगल्स पहन ली। पिछला बार तो हम पहनाते पहनाते परेशान हो गए थे, इस बार बहुत ही इजीली पहन ली। तो देखिए, कमरबंद आज हम पहना दिए इन्हें। अब आगे चलिए हम इनका और करते हैं श्रृंगार। तो अब देखिए, अब इनको चोकर हार पहनाएंगे लाडो को। तो आज तो बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार होने वाला है। देखते हैं माता जी कैसा कराती हैं। तो देखिए, हमारी लाडली सरकार तो चोकर हार पहन ली है। बहुत सस्ता है इन पे ये चोकर हार। तो देखिए, अब हम कानों में इन्हें पहना रहे हैं, कानों में पहना रहे हैं। देख रही हैं, गम के द्वारा चिपका दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो पीछे का कान में डालने का पिन होता है वो हम निकाल चुके हैं, इसलिए इस तरह चिपका दिए हैं हम। नहीं तो इनके कान में तो होल है, आप आराम से पहना सकते हो। देखिए, हमारी लाडो कानों में तो पहन ली, कमरबंद पहन ली, चोकर हार पहन ली। अब आगे चलिए, इनको हम चिक पे बिंदी पहले लगाते हैं, फिर मस्तक पे इनको बिंदी धारण कराते हैं, फिर इनके चिक पे भी बिंदी लगाते हैं। मुझे चिक पे बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। अब इन्हें हम नथ पहनाएंगे। तो देखिए, हमारी लाडो नथ पहन ली है, लेकिन नथ हम निकालेंगे क्योंकि अभी हम वो नहीं पहनाए हैं। अब देखिए, ये बैंगल्स है जो माता जी भेजी है मेरी लाडली के लिए। तो देखिए, एक हाथ में पहना दिए, अब दूसरे हाथ में पहना रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है इनके हाथों में बैंगल्स, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो देखिए, माता जी का कितना भाव है, बहुत सारे सामान भेजी है जो हम आप लोगों के साथ जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे। माता जी हमारी लाडली से बहुत प्यार करती हैं, इनके लिए एक एक सामान चुन चुन के लेती रहती हैं। पायल भेजी है, बहुत सारे सामान भेजी है, हम आप लोगों को शेयर करेंगे। तो देखिए, हमारी लाडो तैयार हो गई हैं। इनको अब हम लगा रहे हैं मांग टीका। तो टीका थोड़ा हम ऊपर कर देंगे, टीका थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से फिक्स कर दिए। अब चलिए हम पीछे पिन लगा देते हैं। अब इनको पहनाते हैं नथ। तो मेरी लाडो तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, नज़र ही नहीं हटती है लाडो पर। बस लाडो को मन करता है देखते रहे देखते रहे। इतनी सुंदर इतनी प्यारी लाडो, इतनी सुंदर इतनी प्यारी लाडो अगर मिलेंगी तो सिर्फ हरे कृष्णा टीवी पे ही मिलेंगी। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7569122661। देखिए, हमारी लाडो तो हो गई तैयार। अब चलिए, इनको हम चुन्नी पहनाते हैं। सेम कलर की ही चुन्नी ओढ़ाएंगे, ये भी माता जी ही भेजी थी मेरी लाडो के लिए चुन्नी। तो माता जी को तो दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी लाडो के लिए इतनी प्यारी प्यारी गिफ्ट भेजती रहती हैं। मेरी लाडो उनका गिफ्ट स्वीकार भी कर लेती हैं। तो देखिए, अब इनको हम इत्र लगाते हैं इस तरह से, और इनको विराजमान करते हैं, फिर हम श्याम सुंदर जी का श्रृंगार करेंगे। तो लाडो को हम मंदिर में विराजमान कर दिए, अब श्याम सुंदर जी का हम श्रृंगार कर रहे हैं। कल सारा पानी हमारे ऊपर गिर गया टब का, जो स्नान कराए थे, इस वजह से हमको नाइटी भी चेंज करना पड़ा।
ठाकुर जी खुद भी नहाए थे, अपने जल से हमें भी नहला दिए, है ना सोना बाबू, है ना। तो देखिए हमारे श्याम सुंदर जी तो ड्रेस पहन लिए हैं, अब देखिए ड्रेस इनका भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा घेरा है आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए आइए इनको सजाते हैं हम। मेरे श्याम सुंदर जी से मिलिए, मेरे बाबू से, मेरे शोना बाबू से, तो सब इनका कृपा है जो हर घर में जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। बस ठाकुर जी ने जो सेवा दिया है वो आप लोगों के साथ हम हर चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप लोगों से हर चीज़ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और इनके पास जो भी गिफ्ट आए वो भी हम शेयर करेंगे, पर टाइम नहीं मिलने के कारण गाइस हम आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा वो भी वीडियो बनाकर हम देंगे। बहुत प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आए हैं जी हाँ। तो ये देखिए कमरबंद पहन रहे हैं मेरे श्याम, कमरबंद भी बहुत प्यारा लग रहा है मेरे बाबू पे। अब बाबू का जन्मदिन भी आने वाला है, पर सेलिब्रेशन तो हम करेंगे नहीं, बस ऐसे हल्का फुल्का करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो भी फेस्टिवल हम करेंगे एक साल होने के बाद ही सेलिब्रेशन करेंगे। देखिए हमारे बाबू को अब हम कान में पहना रहे हैं, अब देखिए नोज पिन पहना रहे हैं। हरे कृष्णा, तो आप इस तरह बाबू को बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हैं, जितना आप इनको सजाइए उतना ही सुंदर मेरे बाबू दिखते हैं, नहीं भी सजाती तो भी मेरे बाबू बहुत खूबसूरत हैं। इनका खिला खिला चेहरा देखकर मन को इतनी खुशी मिलेगी कि हम आपको कुछ बता ही नहीं सकते। तो देखिए मेरे बाबू कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं, और देखिए गिराते जा रहे हैं, यही नटखट करते हैं जब हम सिंगार करते हैं, तो हम इनका जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं, ये गिरा गिरा कर नहीं पहनना चाहते हैं, पर आपको पहनना पड़ेगा क्योंकि इसके सेट के साथ ये कान का बाला अच्छा लगेगा बेटा, तो आप पहन लो बाबू। तो देखिए शाम को फिर से हम कान में पहना रहे हैं, बहुत नटखटपंथी करते हैं मेरे श्याम, देखिए मेरे दुपट्टे को भी खींच लिए बाबू, क्यों परेशान करते हो। तो देखिए हम इस तरह बालों को अच्छे से गम के द्वारा फिक्स कर लेते हैं, जिससे बाल इधर उधर नहीं होगा। अब बालों को इस तरह से हम फैला देते हैं, जिससे इनका लुक बहुत ही सुंदर आता है। अब चलिए इनको पग बांधते हैं हम, फाइनल लुक इनका मंदिर में ही हम दिखाएंगे आपको। पहले पग बांध लेते हैं, फिर पग को करते हैं डेकोरेट। तो सबसे पहले इनको बैंगल्स पहना दें, बैंगल्स नहीं पहनाए हैं, बैंगल्स पहनाना हम भूल गए हैं, तो बाबू हमारे बैंगल्स पहनेंगे शोना बाबू। अभी नए अंगूठी पहनाएंगे, लगभग लगभग इनका सिंगार कंप्लीट हो चुका है गाइस। बहुत टाइम लगता है सिंगार करने में, सभी बच्चों का करने में 1.5 से 2 घंटा मेरा जाता है आराम से, फिर पूजा में 1.5 घंटा जाता है, इस तरह 3.5 घंटा मेरा निकल जाता है। ये देखिए अब इस तरह से हम इनको पग बांधेंगे अपने बाबू को, ड्रेस से मैचिंग, नीचे कंट्रास्टिंग पिंक कलर का है तो पिंक कलर का इनको हम पग भी बांध रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो देखिए हमारे बाबू का पग तो अच्छा बन गया,
इस दुपट्टे से बाबू इतना अच्छा सिपक बनवाते हैं, लगता है यह दुपट्टा इनको बहुत ही पसंद है। दूसरे में तो बहुत टाइम लगाते हैं, पर इस दुपट्टे में तो इतना जल्दी पग बन जाता है कि हम आपको कुछ बता ही नहीं सकते। 5 मिनट के अंदर बनवा लेते हैं बाबू, ये दुपट्टा इनका फेवरेट है मेरे श्याम जी का। तो देखिए हमारे बाबू हो गए तैयार, अब इनके पग को हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे अच्छे से। अब इस तरह हम देखते हैं, नहीं अच्छी लग रही है दूसरा लगाते हैं। तो देखिए हम दूसरा लगा दिए, इनको नहीं लगवाना था वो। ये भी माला है वाइट कलर की जो हम इनके पग पे सजाए हैं, जिससे इनका लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा इनको सजाने की ज़रूरत नहीं, अब इनको हम परफ्यूम लगाएंगे, दर्पण दिखाएंगे अपने लल्ला को, फिर मंदिर में स्थापित करेंगे। तो देखिए ये है इनका फाइनल लुक, आप देख पा रहे हैं। अब आइए मंदिर में पूरा फाइनल लुक सभी बच्चों का दिखाते हैं। तो ये हमारी श्याम सुंदरी हैं, देखिए बैंगल्स पहनी हुई हैं, माता जी का प्रसाद। मेरी श्याम सुंदरी बहुत भाग्यशाली हैं जो माता जी का प्रसाद इन्हें मिलता है, बहुत भाग्यशालियों को ही माता जी का प्रसाद मिलता है। तो देखिए हमारी लाडो तो हो गई हैं तैयार, फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। मेरी श्याम जी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। इस तरह का जोड़ा आप अपने घर में भी रखिए, जो बहुत ही सुंदर लगता है, जोड़ा बहुत ही सुंदर है। आप ज़रूर बताइएगा मेरे लड्डू और मेरे श्याम सुंदरी जी आपको कैसी लगी, और दोनों लोगों का जोड़ा कैसा लगता है। सब बच्चे येलो कलर का ही ड्रेस पहने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।